हेलो गाइस, मैं हूँ आपके प्यारे दोस्त है, वेलकम टू हेल्पलैंड। तो हाँ, यही मेरा लास्ट दिन है। इस बार मैं पहले सीरीज़ के तरह दुखी नहीं होने वाली, क्योंकि हाँ मतलब मम्मी पापा मतलब बोल रहे थे कि परसों जाएंगे, फिर परसों होने के बाद फिर बोले परसों जाएंगे, लेकिन परसों ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अब साइड हो रही थी कि यार पुरुलिया का क्या हो रहा होगा, तो इसलिए अब मैं साइड नहीं होने वाली। इसलिए हमने मेरी मैंने पैकिंग कर लिया अपनी, तो अभी फटाफट निकल। कुछ ज़्यादा ही पैकिंग कर लिया, ये देखो बैग 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 बैग, कितना बैग लेते हैं हम लोग, देखो लिटरली 5 लोगों के लिए इतना बैग। और मैं लिटरली इतना ज़्यादा पढ़ती हूँ कि इस 2 बैगों में ही मेरी पढ़ाई की चीज़ें हैं। गाड़ी में चश्मा तो हेलो 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 हमें। देखो क्या करें, हम क्या करें, मुझे भी मिलेगा क्या? मुझे तो सब खाना लास्ट में ही मिलता है। तो मेरा भी खाना, तो ये देखो मेरा भी खाना मिल चुका है, आलू और ये सब। क्या है यार दोस्तों, ये देखो हमने पूरा यहाँ पे छोटा सा थिएटर बना दिया है, हमने पूरा छोटा थिएटर बना दिया है दोस्तों। तो अभी हम लोग घुस चुके हैं वर्धमान में, वर्धमान। इस बिल्डिंग में पापा पढ़ते थे। पापा अभी हमें दिखा रहे कि किस क्लास में, मतलब किस बिल्डिंग में पढ़ते थे, कौन से बिल्डिंग में पढ़ते थे, मतलब कॉलेज
ये यूनिवर्सिटी है क्या? ये लोग सोच रहे क्या, ये लोग कैमरा निकाल के है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पापा जिस यूनिवर्सिटी पर में पढ़ते थे उस यूनिवर्सिटी में। ये वो पापा जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो यहाँ पे जो शेर बनी है वो पापा भैया हमारे क्या डब आते थे क्या दोस्तों? ये देखो तो ये वाली यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इतना चलने के बाद भी पूरा ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये देखो सर है यहाँ पे बैठ के अड्डा मार सकते हैं। ये देखो ये हॉल छोटा है, ये तो कितना अच्छा है। बाप रे बाप। तो गाइस ये 2000 साल पुराना बाप रे गंगा भाई। इतने सारे शेड लगाए गए हैं वहाँ पे बैठ के आप अड्डा मार सकते हो अगर अपने एडमिशन ले ली। ये देखो ये भी शायद बहुत पुराना पेड़ हो सकता है। जब पापा ने कैमरा नोटिस किया फिर ये हो रहा। तो आवाज सुना जावे ना वो देखो ये सब नया बना है क्या? इधर यहाँ पे एक पेड़ गिर गया कल के तूफान के लिए। छोटा सा गंगा यहाँ से बाइक आ रही है। देख गंगा पुकुर, ये देखो पुकुर। यहाँ पे शायद पापा यहाँ पे नहाते ज़्यादा बड़ा है दोस्तों। इस एरिया की लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा बड़ी है। ये देखो ये बस लाइब्रेरी है। बहुत साल पहले पापा के समय में ये वाला पूरा जंगल नहीं हुआ करता था। अब इतना 2 साल बाद इतना ज़्यादा जंगल हो गया। देखो जंगल का मंगल यहाँ पे तर्जन बर्जन रहता होगा गुड्डू की तरह। ये देखो पूरा जंगल हो चुका है, कट्टी फट्टी नीचे गिरी हुई है। देखो सब पेड़ पौधे गिर गए, कल बहुत ज़्यादा तूफान आई थी लेकिन मैंने कल वीडियो नहीं बनाया। ये देखो 63 किस लिए? ये पूरा बड़ा मतलब बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है दोस्तों। लिटरली यही ऑडिटोरियम है, इतना बड़ा यही एरिया कितना बड़ा है। पूरा ओशन जैसा बन के रखा, कितना सुंदर है। बाबे मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। আস্তে আস্তে কি হয় পাথর হয়ে যাচ্ছে, মাটির তলে অনেক বছর থাকতে থাকতে তারপর কয়লা হয়ে যাবে। পাথরে না বেশি হাত দিস না, একটুই দিস। দেখ কেজে বন্ধ আছে। दोस्तों ये देखो मंदिर, इस बोट से हम लोग मंदिर में जा सकते हैं। गुलाब बाग सिंह थर्मोन प्राकृतिक सेवर मूल आकर्षण इन लाहौर दिस मोट लोकली कॉल्ड लहर इज द प्राइम अट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द गुलाब बाग। इधर इस बोट से हम लोग जा सकते हैं। चल बोट जाओ ना के जाओ। Thank you.
ये देखो राइस का शेप देखो, सब धनिया पत्ता है। ये राइस के ऊपर एक नींबू है जो मैं छिड़क के खाऊंगी क्योंकि मुझे ये पसंद है। चॉकलेट वाली क्वांटिटी आ चुकी है और देखते हैं भाई फिनिश। और देखते देखते रात हो गई और हम लोग जा रहे थे तो जा रहे थे अभी ये जाते जाते रात हो चुकी है और मेरा फेस अच्छे से नहीं दिख रहा होगा लेकिन दिख तो है। अभी पूरी रात हो चुके, जाते जाते 7 बज चुके। 7 बज के कितने हो रहे हैं? 7:47 हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इसकी हालत खराब हो रही है क्योंकि बारिश आने वाली है और अंधेरा भी हो रखा है इसलिए इसको इसकी फट गई है फट गई। ये बोल रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है घर चलो, डर लग रहा है। कहाँ कैसे घर चलो, हम तो जा ही रहे ना घर जाने में। थोड़े पेड़ ऐसे हैं जिसके मतलब थोड़ा हॉरर जैसे दिख रहे हैं कुछ कुछ पेड़, लेकिन हनुमान चालीसा चला है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होने वाला। चुके हैं घर, इतने दिनों बाद इतना अच्छा लग रहा है यार, दिनों बाद कैसा। और ये स्टेयर्स, ये अच्छी क्वालिटी की पेंट। इतने दिन वो गुड्डू हमारे साथ रहा, फिर जब पुरुलिया आया फिर वो चला गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा गुड्डू। जब वो अपने घर गया फिर मुझे लग रहा है कि यार अब मुझे इंटरटेन वाला करने वाला कोई नहीं है, मुझे फनी जोक सुनाने वाले कोई नहीं है, मेरे साथ रूब्लॉक्स खेलने के लिए कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। इसको भी बुरा लग रहा है इसलिए पागल होके छागल बन चुका है। तो हाँ आज के लिए बस इतना ही, तो तब तक के लिए।